नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जुही सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बुलेटिन की। खबर फरुखाबाद से है, जहां बाढ़ का कहर लोगों के ऊपर टूट पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहां 77 गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिसके चलते लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कमालगंज क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और लोगों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। से बताया गया है, कल से मैं टच में हूँ, पानी बढ़ा है और कटान भी हो रही है, तो उसी का निरीक्षण करने आया था। और अगर पानी आता है तो हम इनको कहाँ शिफ्ट करेंगे, ये व्यवस्था हम अभी देखने आया हूँ, अभी जा रहा हूँ वहाँ भी। सर, कई घर में पानी भर गया है और कुछ लोग कहते सांप बिच्छी इस टाइप के बता रहे हैं सब लोग, तो क्या इनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, क्या होगा कहीं कुछ? हाँ, इनको शिफ्ट किया जाएगा। इनको हमारे पास दो तीन जगह हैं, एक तो मंडी है, दूसरा एक गार्डन है। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल ट्रैक्टर से खेत जुताई के दौरान रोटावेटर में फंसकर एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर बांदा के एक गांव से है, जहां मासूम बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में यहां काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाती है, इसके बावजूद नहर को पार करके ये बच्चे रोज़ाना स्कूल जाते हैं। योगी सरकार के शिक्षा व्यवस्था पर तमाम शिकंजे कसने के बाद भी बांदा का यह हाल बदहाल शासन व्यवस्था को दिखाता है। कौन सा विद्यालय है और क्या दिक्कत होती है बच्चों को? यह विद्यालय अछाह ग्राम सभा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय अछाह के नाम से जाना जाता है, जिसकी बबेरू से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं इस विद्यालय में लगभग 20 वर्षों से कार्यरत हूँ और मैंने जब से देखा है कि बरसात के दिनों में सदैव इस रास्ते की यही स्थिति रही है। जब जानवर निकल जाते हैं, ग्रामीण ट्रैक्टर वगैरह निकाल देते हैं, उसके बाद इतना रास्ता ख़राब हो जाता है कि बच्चे क्या बूढ़े जवान सभी गिरते पड़ते किसी तरीके से 500 मीटर का रास्ता। बेटा, क्या नाम है आपका? साकेत यादव। साकेत, कौन सी क्लास से पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो बेटा? 8 पूर्व माध्यमिक विद्यालय जनपद। अच्छा, तो बेटा क्या स्कूल जाने में क्या दिक्कत होती है? चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, रास्ता बहुत ख़राब है। कल के दिन नहर बाढ़ा तो कल के दिन 3 लोग डूब गए थे, लड़के फिर तैर के गए हैं तो उनको लाए। तुम कहाँ से आया करते हो, नहर से तुम भी तो आते हो? हाँ, हम भी आते हैं, हमारा घर यहीं पे है पास में। कहाँ से आते हो तुम? यहीं से, और बच्चे आते हैं गांव से, हमारे यहीं पार। अच्छा, तो रास्ता कैसी स्थिति है? बहुत खराब है, चलने फिरने में गंदगी। अगली खबर बांदा से है, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत काफ़ी कुछ बयां कर रही है। यह हाल है बांदा के महिला जिला अस्पताल का, जहाँ मरीजों को इलाज के लिए लाइट की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है। अस्पताल में जनरेटर होने के बावजूद लोगों को टॉर्च जलाकर अपना काम करना पड़ता है। खबर श्रावस्ती से है, जहां विभूति नाथ मंदिर में चल रहे सावन मेला को लेकर मंदिर परिसर में अधिकारियों संतों के साथ जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए, ताकि बेहतर ढंग से मेले को संपन्न कराया जा सके। मामला शाहजहांपुर से है, जहां एक युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने युवक को चोर समझकर जमकर पिटाई की। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अगली खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली देखने को मिल रही है। दरअसल 2 दिन पहले 2 सगे भाइयों को जहरीले सांप ने काट लिया और समय पर इलाज ना मिल पाने की वजह से 2 दिनों के भीतर ही दोनों की मौत हो गई। अब इस एक के बाद एक मौत ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। बता दें कि मृतक के पिता ने इलाज में डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है। खबर श्रावस्ती से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी त्योहारों को लेकर जिलाधिकारी नेहा प्रकाश की अध्यक्षता में केंद्रीय शांति समिति की बैठक की गई।
जिलाधिकारी ने इस बैठक में मुहर्रम, रक्षाबंधन और कजरी तीज को ध्यान में रखते हुए शासन व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के सख्त आदेश दिए। साथ ही बार बार बिजली की कटौती की समस्या को रोकने के भी निर्देश दिए। अगली खबर आगरा से है। यहां भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई बड़े मंत्री इस दौरान उपस्थित रहेंगे। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।